वो दशक बिहार के हर नागरिक की आवश्यकताओं को पूरा करने का था और अब ये दशक 2021 से 2030 वाला ये दशक बिहार के आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है, इसके लिए दशक है। बीते दशक में बिहार में हर घर में बिजली पहुंची, अब ये दशक बिहार को 2400 घंटे जगमगाने का है। बीते दशक में बिहार में घर घर गैस कनेक्शन पहुंचा, अब ये दशक बिहार के घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का है। बीते दशक में बिहार के हर घर में शौचालय की सुविधा पहुंची, अब ये दशक बिहार के हर गरीब को पक्की छत देने का है। बीते दशक में शहर और गांव में सड़कों की स्थिति सुधरी, अब ये दशक नए एयरपोर्ट नए वाटरपोर्ट देने का है। बीते दशक में जंगल राज के प्रभावों को कम किया गया, अब ये दशक बिहार की नई उड़ान का है, नई संभावनाओं का है। बिहार को जब फिर इस बार डबल इंजन की ताकत मिलेगी तो यहां का विकास पहले से भी तेज गति से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए आज एनडीए सरकार बिना किसी भेदभाव लोगों के हितों के लिए काम कर रही है। आज बिना किसी भेदभाव बिहार के करीब करीब 75 लाख 74 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यहां अगर मैं अररिया की बात करूं तो मेरे साथी सक्रिय रहते हैं हमारे प्रदीप जी, यहां अररिया के भी 2 लाख किसानों को ये मदद उनके खाते में सीधी पहुंची है। भाई, बिना किसी भेदभाव बिहार की लगभग 90 लाख गरीब बहन बेटियों को घर में धुएं से मुक्ति दिलाने वाला मुफ्त में गैस कनेक्शन दे दिया गया है। अगर मैं यहां अररिया की बात करूं, इस इलाके में भी 3.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को उनके चूल्हे तक ये गैस का काम अब हो चुका है। बिना किसी भेदभाव बिहार में 1.25 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। यहां अररिया में भी 4 लाख से ज्यादा शौचालय बने हैं। बिना किसी भेदभाव आज बिहार के हर गरीब को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। भाइयों बहनों, गरीब के घर में अगर कोई गंभीर बीमारी घुस जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं, उस परिवार की पूरी पीढ़ी तबाह हो जाती है। गरीबी से बाहर निकलना चाहता है, एक कदम गरीबी से बाहर ले आया है, लेकिन अगर घर में बीमारी आ गई तो फिर वो गरीबी के अंदर फिर उलझ जाता है। और इसलिए अब कोई गरीब अगर बीमार हुआ तो उसका बेटा दिल्ली में बैठ करके
उसकी चिंता कर रहा है। मेरा गरीब अब दवाई के बिना, मेरा गरीब अब डॉक्टर के बिना, मेरा गरीब अब अस्पताल के बिना जिंदगी और मौत के बीच जूझता नहीं रहेगा। सरकार 5 लाख रुपए तक का खर्च खुद उठा रही है भाई।